अक्सर लोग क्राइम करने के नए नए तरीके खोजते हैं और इन नए तरीकों में कोई भी तरीका ईजाद करने से परहेज़ नहीं किया जाता। मैं आपको एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूं जो बीते महीने की 26 तारीख को घटनाक्रम में शामिल होती है। खांडा गांव से 4 लोग सेंट्रो कार में सवार होकर निकलते हैं, जिनमें एक 12 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम तरुण था वो भी शामिल होता है। गाड़ी में बैठे हुए शख्स जैसे ही खांडा गांव से निकलते हैं और झरोट गांव की सीमा में पहुंचते हैं, वैसे बीच से गुजरने वाली एक नहर जिसको हम रिलायंस नहर बोलते हैं, उस नहर में वो कार डिसबैलेंस्ड होकर गिरी या किसी साजिश के तहत गिराई गई, किस तरह के हालात बने, पुलिस ने उन हालातों की छानबीन भी की, लेकिन 2 लोगों की डेड बॉडी उससे मिली। गाड़ी में ही थे वो लोग, ड्राइवर जो था जो गाड़ी को चला रहा था उसको सुरक्षित देखा गया, और जो मासूम बच्चा था तरुण नाम का बच्चा अभी तक मिसिंग है। जी हाँ, खरखोदा पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। परिजनों ने, मैं कहूँगा तरुण के नाना नानी और मृतक जो महिला थी सुमन, उसके मामा ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। तहकीकात की गई, केस को CIA के हवाले कर दिया गया, लेकिन उसी कहानी को घटित हुए आज 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है। रिजल्ट अगर हम बात करें तो रिजल्ट उसका 0 रहा है। वो रिजल्ट 0 क्यों रहा, ऐसी कहानी क्या है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी वारदात है, ऐसा कौन सा वाक्या है जिसको पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई, ये बात अभी तक किसी को हाजिम नहीं। क्या मान के चलेंगे, क्या वो बच्चा गाड़ी में था? कुछ सबूत ऐसे भी हैं जिनसे ये देखा जा सकता है कि बच्चा गाड़ी में था, लेकिन आसपास खांडा गांव में लगे हुए CCTV जब खंगाले गए तो उनसे वो सिचुएशन वहीं जो क्रिएट हुई थी उसको देखा गया कि ये सभी लोग गाड़ी में सवार थे, लेकिन बच्चे की पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं जो चालक गाड़ी को चला रहा था, सेंट्रो कार को चला रहा था, उससे अगर हम बात करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बातें सामने आई हैं कि जो व्यक्ति कार को चला रहा था उस व्यक्ति ने कहा कि डिसबैलेंस होकर कार नहर में उतरी, क्योंकि सामने से ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक आ रहा था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, और हादसा होने के बाद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई क्योंकि वो कार में थे और कार पूरी तरह से नहर में पानी में डूब चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए तरुण की, उस 12 साल के मासूम बच्चे की, तो वो बच्चा अगर नहर में होता तो अब तक मिल चुका होता, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। पुलिस प्रशासन, गोताखोर, सभी तरह के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए नहर में उस बच्चे को ढूंढते रहे, नहर का पानी कम कराया गया, प्रशासन ने जितना भी हो सकता था उतना किया, लेकिन बच्चे को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका। क्या मान के चलेंगे, वो बच्चा कहाँ गया, ये अभी तक एक उलझी हुई अनसुलझी पहेली बन गई है, जिसको कौन सुलझाएगा, कब तक सुलझा पाएगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पुलिस की बयानबाजी जो सामने आ रही है उसमें ये बात भी सामने आई है कि जो व्यक्ति कार को चला रहा था उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, कार डिसबैलेंस्ड हुई थी, कार नहर में गिरी थी, और ये वाक्य सच्चाई का था, लेकिन इसको परिजन अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो कहानी में देखते हैं मोड़ अब आगे क्या है।